जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 4। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर्स लॉन्ग, 6 मीटर्स ब्रॉड एंड 3 मीटर्स डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। इट शुड बी ₹30, है ना। सो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि बहुत सिंपल था। एक क्यूबॉइडल आपको पिट खुदवाना है, यानी कि कोई गड्ढा आपको खुदवाना है ना, और वो कैसा होना चाहिए? क्यूबॉइडल होना चाहिए। क्यूबॉइड क्या होता है हम जानते हैं, है ना। तो उसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर्स, ब्रेथ 6 मीटर्स, डेप्थ यानी गहराई, यानी कि हमारे लिए वो हाइट हो गई है ना, 3 मीटर्स। अब कोई गड्ढा गहरा है या ऊंचा है, एक ही बात है। हम ज़मीन से लेते हैं तो ऊंचा है, ज़मीन से नीचे जा रहा है तो गहरा है, लेकिन इस क्यूबॉइड के लिए तो वो हाइट का ही काम करेगा। तो 836 हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, क्या आ गया? आयतन, वॉल्यूम। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में आया व्यय। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पिट इज ₹30। 144 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? आप 30 को 144 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया ₹4,320। ओके, तो इतना सिंपल था ना बच्चों, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम उन सम्स में ज़्यादा जाए जिनमें हमको समझना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर और 10 मीटर्स हैं, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर्स एंड 10 मीटर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं फ्रेश पेज पर। ना बच्चों, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स मैंने आपको समझाया था, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, एक्चुअली इट इज़ कैपेसिटी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कैपेसिटी ऑब्लिक, ओके, टंकी की धारिता और लिख दीजिए आयतन, ठीक है बच्चों। ये आपको हम समझा चुके हैं ना, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको दिया है बच्चों 50,000 लीटर, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, बट ऐसा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में हमको ये अटकेगा, है ना। तो हमको इसको क्या करना चाहिए? हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब? डू यू नो, डू यू रिमेम्बर? 1 मीटर क्यूब, यहाँ लिखेंगे हम, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर्स, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें, देयरफोर 1 लीटर इज इक्वल टू, बच्चों अगर हमको 1 लीटर चाहिए हो तो वो क्या हो जाएगा? 1/1,000 मीटर क्यूब। और मेरे पास कितने लीटर्स हैं? 50,000, है ना। 50,000 लीटर्स इज इक्वल टू 50,000/1,000, है ना। तो कितना रह गया? 50 मीटर क्यूब। सोचो बहुत होता है, 50,000 लीटर केवल 50 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये देख लीजिए आप, कुछ मतलब जनरल नॉलेज की तरह रहते जाइए ना। तो ये इतना बच्चों उस टैंक का वॉल्यूम बन गया। अब ये जो कैपेसिटी थी अब प्योरली वॉल्यूम बन गई, ठीक है। अच्छा, हमको और क्या क्या दिया हुआ है? हमको इसकी लेंथ दी है, लेंथ इज़ 2.5 मीटर्स एंड डेप्थ, डेप्थ को हम बच्चों हाइट लेंगे, है ना, इसको स्मॉल ही कर देते हैं, एक स्मॉल एक कैपिटल, ये भी स्मॉल है, एच भी स्मॉल, ठीक है। और ये कितना है हाइट? 10 मीटर। क्या चाहिए आपको? ब्रेथ चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब।
वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। बच्चों जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना उसका सॉल्यूशन, तो ये यूनिट नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो एल के प्लेस पर आपने लिख दिया 2.5, ब्रेथ यू हैव टू फाइंड, हाइट इज 10, इज इक्वल टू 50। मुझे यहाँ से 2 दिख रही है, आपको दिख रही है 2? देखो कैसे, डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में आया 10, 10 से 10 कैंसिल, 25 नीचे जाएगा, 25 टू जार 50, है ना। तो थोड़ा सा मन में भी कर लेना चाहिए, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 25 इंटू बी, ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ओके, तो बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 25, दैट इज 2 meters। तो यहाँ पर हमको वी शुड नॉट राइट मीटर हेयर, ये तो सॉल्यूशन है, तो न्यूमरिकल वैल्यू है ना। हमारा आंसर शुड बी इन वर्ड्स, शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना चाहिए कि टंकी की चौड़ाई बराबर 2 meters। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ टैंक ओके इज 2 meters। तो ये हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, गांव में इतनी होती है 4000, 4500, कस्बे होते हैं वहाँ भी इतनी होती है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 liters 150 liter पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20x15x6 यानी कि 20 मीटर समझ लीजिए लंबाई, 15 समझ लीजिए चौड़ाई और 6 समझ लीजिए ऊंचाई, मापों वाली एक टंकी बनी हुई है, वहाँ से पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है, गवर्नमेंट उस टंकी को भरवा देती है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो कुछ करने के लिए आया आप अपने पास, है ना, कुछ एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 liters ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक measuring 20x15x6 meters, for how many days will the water of this tank last? Question अच्छा है ना, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, English में लिखते हैं consumption of water per head, मैंने गलत जगह लिख दिया, ये इसका ऐसे ठीक है, consumption of water per head is 150 liters ठीक है, प्रति व्यक्ति पानी की खपत वर्ड ठीक है ना, कंजप्शन के लिए एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है एक दिन में 150 liters, तो पूरे दिन में कितना पानी यूज़ होगा। देखो एक व्यक्ति तो करता है 150 liters और उस गांव में कितने व्यक्ति हैं 4000, तो आप लिखेंगे कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे प्रतिदिन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 into 4000। अब एक चीज़ और मिसिंग हो गई, या तो यहाँ पर चलिए पहले हिंदी में लिख लूँ, प्रतिदिन पानी की खपत ठीक है, यही है 150 into 4000। तो ब्रैकेट में हमें क्या लिखना चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, गांव की जनसंख्या, ये हमको बच्चों स्टार्टिंग में ही लिख लेना चाहिए था, और कितनी है ये 4000। अब मेंशन कर दो और यहाँ पर सिंस लगा दो, सिंस अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया, 15 × 60 होता है, और 1 2 3 4 4 0 पहले से है, यानी कि 6 followed by 5 0 6 lakh liters, 6 lakh liter पानी प्रतिदिन लगता है ठीक है, 6 लाख ओके। अच्छा अब फिर वही बात आ गई कि लीटर है ना, अब इसको मीटर क्यूब में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस 1 liter इज इक्वल टू 1/1000 meter। क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना अभी हमने, कितने लीटर पानी है 6 lakh, 6 followed by 5 zeros, 7 zeros होते हैं तो क्या हो जाता है करोड़, है ना, तो कुछ चीज़ें याद रखना, 5 जीरो से लैक हो जाता है, तो 1 2 3 4 5
अपॉन 123 मीटर क्यूब, कैंसिल किया तो 600 मीटर क्यूब, ये पर डे पानी का कंजप्शन है उस गांव में, उस विलेज में, गॉट इट। अब वो जो टैंक है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट के हिसाब से हमें पता करना है कि उस टैंक में एक्चुअली कितना पानी आता है, कैपेसिटी कितनी है। ओके, हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, टंकी की धारिता, और ब्रैकेट में लिख देंगे आयतन, और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ कितनी गिवन है 20 मीटर्स मुझे दिख रहा है बच्चों यहाँ से, हाँ, ब्रेड्थ गिवन है 15 मीटर्स एंड हाइट इज 6 मीटर्स। ओके, तो फिर वॉल्यूम कितना हो गया 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये मुझे दिख रहा है 1800 मीटर क्यूब, 1800 ओवरऑल हो गया। आप देखो पर डे कितना चाहिए था, आपने पिछले पेज पर देखा ना कितना चाहिए था, 600 है ना, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 1800, तीन दिन चल जाएगा, 6 × 3 = 18 है ना, सिंपल। वैसे एक बात याद रखना बच्चों, जब हमको एक बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ बनानी होती है, समझो आप मार्केट गए और वाइट कलर का इतना सारा क्लोथ लाए, हाँ, अब उसको कट करके आपको हैंकरचीफ्स बनाने हैं, रुमाल बनाने हैं, ठीक है, तो कितने रुमाल बनेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे मालूम है, हम इस कपड़े का एरिया लेंगे और एक रुमाल का एरिया लेंगे, इस कपड़े के एरिया को रुमाल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितने हैंकरचीफ्स बन पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास टैंक है, ये जो टैंक है, टैंक के वॉल्यूम को पर डे कंजप्शन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ डेज, ठीक है, दिनों की संख्या, ठीक, ये कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन अपॉन प्रतिदिन पानी की खपत। कुछ चीज़ें जो हम ओरली कर चुके हैं बट उनको नंबर चाहिए ना, तो लिख के तो दिखाना पड़ेगा, तो अब आप लिखेंगे टंकी का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त है, 3 दिन के लिए पर्याप्त है, वाटर इज सफिशियंट फॉर 3 डेज। राइटिंग थोड़ी हो जाती है इधर उधर, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों हम 3 ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।